घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आया, पापा भी बोले पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं, और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजाए हो जाए। ये बयान अंकिता सिंह के दम तोड़ने से पहले के आखिरी बयान है। झारखंड के दुमका की रहने वाली अंकिता को शाहरुख हुसैन नाम के शख्स ने पेट्रोल डालकर जला दिया था। 5 दिन बाद 29 अगस्त की 2:30 बजे रात को अस्पताल में अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। इस वीडियो में जानेंगे कि किसी पीड़ित का मरने से पहले दिया बयान कितना अहम होता है, कैसे ये दोषी को फांसी तक पहुँचा सकता है, आखिर क्या है अंकिता की कहानी। किसी भी अपराध में पीड़ित के मरने से पहले दिए गए बयान या डाइंग डिक्लेरेशन को सच्चा सबूत माना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32(1) के मुताबिक डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट फैक्ट्स या संबंधित तथ्यों से जुड़ा किसी व्यक्ति का लिखित या मौखिक बयान होता है जिसे देने के बाद उसकी मौत हो चुकी हो। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों की राय है कि मरने से पहले का बयान मौखिक, लिखित या संकेतों के आधार पर दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए झारखंड केस में जिंदा जलाई गई अंकिता ने अस्पताल में दम तोड़ने से पहले अपनी मौत की वजह शाहरुख हुसैन नामक शख्स के उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाने को बताया था। अंकिता का ये बयान ही मरने से पहले का बयान या डाइंग डिक्लेरेशन है। कितना मायने रखता है पीड़ित का मरने से पहले आखिरी बयान? अब सवाल ये आता है, पीड़ित के मौत से पहले का आखिरी बयान या डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाता है। भारतीय कानून में डाइंग डिक्लेरेशन का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए इसे कोर्ट में सबूत माना जाता है। यानी अंकिता के आखिरी बयान को कोर्ट बतौर सबूत स्वीकार कर सकता है। CRPC कानून के तहत पुलिस के सामने दिए बयान की विशेष कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन मौत से पहले के बयानों को विश्वसनीय माना जा सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन किस तरह से दिया जाए इसके लिए कोई तय नियम नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन मौखिक, लिखित, हाव भाव और संकेत, अंगूठे का निशान या सवाल जवाब के रूप में भी हो सकता है। बयान देने वाले व्यक्ति की तरफ से एक स्पष्ट और निश्चित दावा होना चाहिए। बयान को लिखित रूप में पीड़ित द्वारा बताए गए सटीक शब्दों में होना चाहिए। अंकिता के केस में पीड़ित ने अपना बयान मौखिक रूप से दिया है जो कानूनी रूप से मान्य है। इसका एक और उदाहरण 2012 में दिल्ली में हुआ निर्भया केस है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया का पहला बयान डॉक्टर ने लिया था, दूसरा बयान 21 दिसंबर को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने लिया जिसमें उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी थी, तीसरा बयान 25 दिसंबर को मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया था जो निर्भया की गंभीर हालत की वजह से लगभग हाव भाव और संकेतों के जरिए दिया गया था। कोर्ट ने निर्भया के तीसरे डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर कहा था कि हाव भाव और संकेतों के जरिए दिया बयान भी सबूत के तौर पर मान्य है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।